power! मैं हूं द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल। शक्तिमान, अब तू मुझसे बच नहीं सकता। पावर। दुख हमेशा इस बात का रहा कि जैसे हमारे आसपास के लोग, हम तो दिल्ली में और बम्बई में रहे, आसपास के लोगों के पास अपना एक गांव, अपना एक होम टाउन सबके पास है। बॉम्बे में कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि हम घर जा रहे हैं, घर उनका हरियाणा में है या किसी का घर जयपुर में है, किसी का घर कहीं साउथ में है, हम कहाँ जाएँ। हम लोग तो कश्मीरी पंडित तो अप्रूट हुआ ही है, उसकी जड़ें उखड़ गई हैं, और चूंकि वापस जाने का कोई स्कोप था नहीं। वेलकम टू कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। टुडे इन दिस स्पेशल इंटरव्यू सेशन वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस। लेट मी डायरेक्टली इंट्रोड्यूस यू। वी हैव ललित परमोह विद अस। ही इज़ अ बॉलीवुड एक्टर एंड फेमस फॉर हिज रोल्स इन वेब सीरीज एंड अदर टीवी सीरियल्स। थैंक यू सर वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। तो आप बताइए इस मूवी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस बेस पे बनी है ये। लफ्ज़ों में प्यार एक रोमांटिक फिल्म है और हम इस फिल्म का हिस्सा हैं एज एन एक्टर। मैं मेन जो हीरो है फिल्म का, उसके फादर का रोल कर रहा हूँ। फिल्म एक रोमांटिक स्टोरी है। लड़का किसी वजह से जो पिता चाहते हैं वो नहीं कर रहा है और म्यूज़िक की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। म्यूज़िक से लगाव है, पैशनेट है म्यूज़िक को लेके, लेकिन फादर का विरोध होता है जिसकी वजह से उसे घर छोड़ के जाना पड़ता है। उसकी एक प्रेमिका है जो उसे सपोर्ट करती है, उसकी भाभी है जो अनीता राज प्ले कर रही है, वो उसे सपोर्ट करती है। समय गुजरता है और वो अपनी जगह म्यूज़िक की दुनिया में बना लेता है। इस बीच फादर उसकी शादी तय करते हैं लेकिन लड़का शादी करने से मना करता है। फिर कुछ वक्त और गुजरता है और लड़का म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपनी एक ख़ास जगह बना लेता है और कामयाब हो जाता है। फादर को एक अच्छे अमाउंट का चेक प्रेजेंट करता है जिससे फादर ये रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, मेरे बेटे ने कुछ अच्छा काम किया। अगर हम 90s की बात करें, शशि कपूर का टाइम था, रोमांटिक मूवीज़ बनती थी, लेकिन उसके बाद कुछ सिनेरियो चेंज हुआ, तो क्या आपको लगता है कि अब वो दौर फिर से शुरू होने लगा है? पूरी तरह से तो नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि अभी भी कश्मीर में उस तरह से पॉलिटिकली सब कुछ सेटल्ड नहीं है, लेकिन पहले से अच्छा है। जो बीच में फिल्में नहीं बन रही थी, यहाँ के लोकेशंस का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लोग नहीं आ रहे थे, 2010 के बाद से लोग आ रहे हैं और गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल रही है, और अब जबकि कश्मीर पॉलिसी बन गई है फिल्म को लेके, तो जाहिर है और लोग आगे आएंगे। हम ये उम्मीद करें कि जो इंडिपेंडेंट सिनेमा वाले लोग हैं, जो छोटे बजट की फिल्म बनाते हैं, वो लोग ज़्यादा आएँ, क्योंकि जो बड़े बजट की फिल्म बनाते हैं उनके लिए तो क्या है, सारी टीम उनकी फिक्स रहती है और वो बम्बई से ही सारी टीम को लेके आते हैं। यहाँ के लोगों को लेकर अगर काम करें, यहाँ के लोकल आर्टिस्ट को लेकर काम करें, यहाँ के जो लोकल होटल्स और यहाँ पे यहाँ के लोगों को अगर काम मिलता है तो वो इकॉनमी के लिए अच्छा होगा। बीइंग ए कश्मीरी पंडित, क्या आपको लगता है कौन सी चेंज इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में फिल्म के रिलेटेड, सिनेमा के रिलेटेड? ऐसे कश्मीरी पंडित तो मैं ये कहूँगा कि हमें इस तरह की फिल्मों में, हमें इस तरह की फिल्में बनानी चाहिए जो सोशियो कल्चरल एरिया में कुछ कश्मीर से रिलेटेड बात कहे। कश्मीर का अपना एक इंडिजिनस कल्चर है, वो 100-200 साल पुराना नहीं, वो 5000 साल पुराना है। तो इस 5000 साल पुराने कल्चरल सेंटर में क्या कुछ हुआ है, कहाँ से हम आए हैं, संस्कृत एरा से होते हुए, फिर पर्शियन इन्फ्लुएंस या अरबिक इन्फ्लुएंस से होते हुए, फिर आज जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस होते होते, फिर आज जो हम ये अमेरिकन कल्चर का इन्फ्लुएंस और ये आईटी का ज़माना और फेसबुक और इसके ज़माने तक पहुँचे हैं, ये जो चेंजेस आई हैं वहाँ से 5000 साल से, और किस तरह से मनुष्य के ऊपर इसका असर रहा है, फिर हमारी कविताओं में क्या 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 चेंजेस आए हैं, हमारे डांस फॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, इन सब को लेकर अगर कोई नई बात बनती है तो वो मैं चाहूँगा कि वैसा कुछ हो और आम आदमी के जीवन में आज के माहौल में अच्छी चीज़ क्या है इसको दर्शाने की कोशिश करें, तो वो मेरी समझ से एक अच्छी फिल्म होगी। एज ए कश्मीरी पंडित, आप यहाँ से जब चले गए तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में जानते, कि आपको क्या लगा कि कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ, कि शायद मुझे नहीं जाना चाहिए था या शायद मुझे ये सेटल करके जाना था, कुछ ऐसी यादें?
हाँ नहीं, ये तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने। कुछ मिस नहीं किया हमने, तो बहुत कुछ मिस किया है। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से कश्मीर से तब निकला हूँ जब कश्मीर के हालात बहुत अच्छे थे, और हम वापस हर साल छुट्टियों में कश्मीर आते थे, अपने घर जाते थे। लेकिन हालात तो 89-90 से गए, और मैं भी उसके बाद से कश्मीर वापस आ नहीं पाया एक्सेप्ट शूटिंग ऑफ माय फिल्म। तो हम लोग तो कश्मीरी पंडित तो अप्रूट हुआ ही है, उसकी जड़ें उखड़ गई हैं। और चूंकि वापस जाने का कोई स्कोप था नहीं, और पेरेंट्स की वजह से हमें सब छोड़ के आना पड़ा, दुख हमेशा इस बात का रहा कि जैसे हमारे आसपास के लोग, हम तो दिल्ली में और बम्बई में रहे, आसपास के लोगों के पास अपना एक गांव, अपना एक होम टाउन सबके पास है। बॉम्बे में कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि हम घर जा रहे हैं, घर उनका हरियाणा में है, या किसी का घर जयपुर में है, किसी का घर कहीं साउथ में है, हम कहाँ जाएँ? हमें हमेशा ये सवाल हमेशा परेशान करता रहा कि हमारा घर तो कश्मीर में था, लेकिन अब तो वहाँ कोई है नहीं। फादर भी ख़राब कंडीशन में आए, और ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सवाल इसलिए नहीं आया चूँकि हालात ही वैसे थे। तो ये एक दुख तो सबके मन में है, हम लोग या हमारे जैसे दूसरे कश्मीरी पंडित भी, जो सिर्फ मुंबई या दिल्ली नहीं आए, वो तो लंदन और अमेरिका तक चले गए हैं, और वहाँ उन्होंने अच्छी जगह बनाई है, पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जो अपने ज़मीन से, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जो अपनी मर्ज कशीर से हम डिस्कनेक्ट हुए हैं, ये तकलीफ़ तो सबके मन में है। हम लोग कर कुछ नहीं पा रहे हैं, ट्रेजेडी हमारी ये है कि हम कर कुछ नहीं पा रहे हैं, पर ये दुख हमेशा रहेगा। और इसमें जो हमारा एफर्ट है वो यही है कि हम छोटे छोटे काम जो कश्मीर आके करें, और यहाँ की कम्युनिटी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा जो हम अच्छा कर सकते हैं वो करें। बाकी पहले जैसा तो जो वातावरण था वो हूबहू बनना बड़ा मुश्किल है। आज कश्मीरी आपको वेलकम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर कोई कश्मीरी बोलता है कि कश्मीरी पंडित हमारे भाई है, वो यहाँ आना चाहेंगे। क्या आप लोग आएंगे फिर से पर्सनली, अगर आप आएंगे? नहीं, हम तो आते ही हैं। अब शूटिंग के बहाने और काम के बहाने, फिल्म फेस्टिवल के बहाने हम तो आते ही हैं। बट जो ऐसी बीच में हवा फैली कि सेटल होने की बात, तो सेटल होके करेंगे क्या? मैं अगर मान लीजिए एक एक्टर के रूप में यहाँ भी शिफ्ट होके आ जाता हूँ, तो फिर मैं आधा टाइम तो बेरोज़गारी में ही जीना पड़ेगा। जो काम बम्बई में मिलता है, बम्बई के बाहर मिलता है, वो यहाँ कहाँ मिलेगा? आपका एक फेमस टीवी सीरियल था शक्तिमान के नाम से, जिसमें आपका रोल, आप यूजुअली जयकाल के नाम से उसमें मशहूर थे, और आपका एक फेमस डायलॉग था पावर। हमारे नाजरीनों के लिए वो पावर आप एक बार बताइए प्लीज। पावर, मैं हूँ द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जयकाल। शक्तिमान, अब तू मुझसे बच नहीं सकता। पावर। ये थे हमारे साथ ललित परमो जी, जो कि बॉलीवुड एक्टर थे। इन्हें अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, और जो इनकी मूवी आने वाली है उसके बारे में बताया।